गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। किवें हो जी सारे? उम्मीद है सारे वधिया होंगे तो बहुत ही वधिया तरीके नाल अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे एग्जाम की। अज आप टॉपिक जो कंटिन्यू करना है दैट इज सीक्वेंट एंड सीरीज। आप इतने स्टॉप किया सी, इतों ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड 26 नंबर क्वेश्चन तो आप स्टार्ट करते हैं। इस तो बाद अज जो है अपना सीक्वेंट एंड सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेजुएशन लैवल के क्वेश्चन रहेंगे सारे, ठीक है। एक बार जरूर शेयर करियो अपने फ्रेंड्स के नाल। एक मिनट मैं चेक कर ला, इज एवरीथिंग क्लीयर? जे तक मैं लग रहा सब कुछ क्लीयर है, चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए सारा कुछ कंटिन्यू करते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चंस नो डिस्कस करांगे एंड नियर अबाउट 35 या 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 40-35 इन्ने के क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा टॉपिक ये ही कंप्लीट हो जाएगा। सो जेडे भी स्टूडेंट्स ने हाल तक ज्वाइन नहीं किया टैलीग्राम ग्रुप, और टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत मतलब क्वेश्चन आ रहे थे कि लाइव क्लासेस क्यों नहीं लगा रहे, क्लासेस क्यों नहीं लगा रहे, थानू सबन पता है कि थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जल्द ही आप कंटिन्यू कर देंगे क्लासेस में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। तो वो हले थोड़ा जे दिन लगन गए, मैं थोड़ा BNS दसा और तक मैं ट्राई करती हूँ पी हाँ कि थोड़े नाल रिकॉर्डेड क्लासेस शेयर कर देव। इस तुम इलावा जिन्होंने हले तक सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब कर लो जी। फस्ट टाइम आए हो सबसक्राइब किए बिना नहीं जाना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स का, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 26 वैसे थोड़ा होमवर्क से, एक दो बच्चे ने ही आंसर दिता, बाकियों ने आंसर दिता नहीं, आई डोंट नो वाई, शायद नहीं किया होगा है ना उन्होंने। आप इतों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो सब तो पहला द सीक्वेंस, अपन एक सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस साढ़े सामने है। सीक्वेंस के बच्चे लिखा हुआ है -1। हूँ ये -1 की जो पावर n दी हुई है अपन, ये अपन गिवन है 1 तो लेके इनफिनिटी तक। अपने दसना है कि यह जो सीक्वेंस है ये की कर रही है, कन्वर्ज कर रही है प्लस बाउंडड है, ठीक है जी। और अगर आप सैकेंड ऑप्शन की गल करिए अनबाउंडड है, सो इसमें थोड़ा सही कर लियो, कन्वर्ज प्लस अनबाउंडड होएगी। या फिर अगर गल करिए थर्ड दी, थर्ड ऑप्शन अपने को है बाउंडर तो ओसीलेटरी होएगी, ठीक है। या फिर अपने को डाइवर्जेंट एंड अपने को होएगी अनबाउंडड होएगी। तो उस अकॉर्डिंग अपने दसना है कि जो अपनी सीक्वेंस है, देखो सीक्वेंस के सब तो पहला तो ये एक चीज़ देख के पता लग रही है कि यह ओसीलेट करेगी। ओसीलेट क्यों करेगी? देखो -1 की पावर एन है, तुसी एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो थोड़े को -1 आ जाएगा, तुसी एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो थोड़े को 1 आ जाएगा, नैक्सट टर्म मेरे को फिर -1 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। तो एक ही कह रही है ओसीलेट कर रही है, मतलब कि है नैगेटिव पॉजिटिव सेम ही आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्रॉपरली नज़र आ रहा है कि ओसीलेट कर रही है। तो सी ऑप्शन अपने को राइट होएगा। सैकेंड थिंग की यह बाउंडड है, बिल्कुल यह बाउंडड है, ठीक है। ये बाउंड कि रही है -1 तो 1 ही, ये दो टर्म्स नहीं हो, कोई ये टर्म ही नहीं हैगी। सो देख के पता लग रहा है कि यह जो सीरीज है, जो जो सीक्वेंस है वो अपने को है बाउंडड है प्लस ओसीलेट है, क्योंकि ये जो अपने को nth टर्म है वो अपने को -1 तो 1 के बीच ही रह रही है, बाउंडड तो है ही और ओसीलेट तो कर ही रही है, ये कोई डाउट है ही नहीं अपन, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर? सी ऑप्शन, दैट इज बाउंडड एंड ओसीलेट, ठीक है जी। चलो अगे चलते अपने आज के सैकेंड क्वेश्चन के, वैसे क्वेश्चन नंबर 27 है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हाँ जी। तो इस दिता हुआ क्वेश्चन नंबर 27 के, क्वेश्चन नंबर 27 के आपको एक सीक्वेंस दिती हुई है, और वो सीक्वेंस की दिती हुई है, उस सीक्वेंस दिती हुई है तो हमारे सामने है दैट इज 3n-1/4n-5। इदा करके मैंने एक सीक्वेंस दिती हुई है और इस सीक्वेंस के दसने कि यह कन्वर्ज किनू करती है। अपने को ऑप्शनस है 4/3 है ना, और उस तो बाद अपने को ऑप्शन आ जाती है 0, एंड इस तो बाद अपने को ऑप्शन आ जाती है इनफिनिटी, और उस तो बाद ऑप्शन आ जाती है 3/4। अपने दसना है कि यह कन्वर्ज किसनों करती है, चार ऑप्शनस ने, चारों में एक राइट आंसर है, वेरी ईजी टू अंडरसटैंड। दसो जी फटाफट फिर कि ऑप्शन ये राइट होगी। अदर के क्वेश्चन सब तो ज़्यादा ईजी होंगे ने और देखे भी जाते हैं एग्जाम के, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किमें करोगे जी इसमें सिंपल? देखो ए एन आपको दिखती हुई है, अपने की लैना होंगे, देखना होंगे डिग्री की दिखनी होंगी है, डिग्री देखनी होंगी है। मैं देख पा रही हूँ उपर भी हाईएस्ट डिग्री 1 है और डिनोमीनेटर भी जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ 1, ठीक है। तो हूँ इतने कुछ नहीं है, हाईएस्ट डिग्री उपर वाले की 3 है, उसका कोफिशेंट किन्ना होएगा 3 है ना, नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उस किन्ना होएगा 4, मतलब क्लीयर है कि ऑप्शन इतने मेरे को सही हो जाती है 3/4, मतलब विच इज़ माई राइट आंसर, डी इज़ माई राइट आंसर। सिंपल है जी, क्लीयर है, कुछ भी नहीं सी, ये काफ़ी ईजी जहा क्वेश्चन से और इधर क्वेश्चन आते ने। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के मैंने दिती हुई है एक सीक्वेंस दिती हुई है, और ये सीक्वेंस मैंने केड़ी दिती हुई है 1/n की दिती हुई है, ठीक है जी। सीक्वेंस तुसी देख सकते हो केड़ी है 1/n। हुण जिहड़ी तुहानू सीक्वेंस दिती हुई है 1/n, वो इन्होंने पूछा है कि दसो अनबाउंडड है
बाउंडर है, डाइवर्जेंट है जां नन, इन्हां दे विचों कोई भी ऑप्शन सही नहीं हैगी। तो ये तो आप जेकर इसनों ओपन करके देखिए, इधर क्वेश्चन ट्राई करया करो कि है ना ओपन कर दिए, तो ओपन करके देखिए। देखो जो एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो वन बाय वन मतलब वन लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। फिर अगे कि आ जाएगा वन बाय टू आ जाएगा, वन बाय थ्री आ जाएगा, वन बाय फोर, अप टू सोन चली जाएगी। एक पॉइंट तक आके तुम कहोगे अद्धा दस कि नहीं वैल्यूज पुट करी चलिए, ये की होगी अनबाउंडड होगी। नहीं, एट लास्ट तुम की पुट करोगे, जो इनफिनिटी पुट करोगे तो मेरे को वन अपॉन इनफिनिटी मतलब की है एक पॉइंट से जाके बहुत ही स्मॉल नंबर बन जाएगा, जो कि है एंड पॉइंट इसका की होएगा जीरो होएगा। लास्ट पॉइंट के ऊपर आके इसने की बन जाना है, जीरो बन जाना। सिंपल तो क्लियर है कि यह बाउंड करेगी, यह वन तो बड़ी नहीं हो सकती और जीरो तो छोटी नहीं हो सकती, तो यह जीरो तो विच के अंदर अंदर ही रहेगी, चाहे तुम जिनी मर्जी ये वैल्यू पुट कर लो, है ना। सो यह जो मेरे को सीकुएंस है, ये मेरे को सीकुएंस की है बाउंडड है, विच इज़ बी ऑप्शन तुहाडे सामने है। क्लियर है? अगर इसको तुम प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करके देखना चाहते हो तो भी कर सकते हो कि उपर वाले की डिग्री की है, घट है, नीचे वाले की डिग्री की है, वध है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होंगी है तो अपने को आंसर की होंगे जीरो, है ना। अगर थोड़े को जीरो आंसर आ रहा है मतलब बाउंडड है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, उम्मीद कर लो इदा, ठीक है, इदा कर लो, है ना, किदा भी कर लो। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 भी तुहाडे सामने है स्क्रीन के उपर, वन मिनट आप थोड़ी सैटिंग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 29 दे विच देखो जी की दिता होया है, कहिंदे द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिहड़ी मैनूं कुछ इस तरीके नाल दिती हुई है, सीक्वेंस किनूं कन्वर्ज करती है। हुण इस सीक्वेंस दे विच आपां ने लभणा कि किसनों कन्वर्ज करती है, किहड़ी सीक्वेंस दिती हुई है आपां नूं, वन प्लस वन बाय थ्री, और सारी की पावर मैनूं किन्नी दिती हुई है, टू एन दिती हुई है ना। हाँ जी, टू एन दिती हुई है। तो हुण इहदे विच देखो फिर अपने की फाइंड आउट करना है कि किसनों कन्वर्ज कर दिया, तो फटाफट पहला तेरा आंसर देख लें आप, है ना, की होएगा। चार ऑप्शन है अपने को, चार ऑप्शन दिती हुई हैं, ई ई की पावर अगे हैगी है थ्री बाय टू, उस तो बाद हैगी अपने को ई पावर टू बाय थ्री, एंड लास्ट ऑप्शन अपने को हैगी है ई पावर टू। तो सब तो पहला तो ये तुम खुद सॉल्व करोगे आंसर, फिर चेक करोगे कि कहड़ी राइट आ रही है ना। चलो गल करते हैं आप, एक्स पावर एन वन प्लस वन ओवर थ्री एन दी पावर टू एन। क्लीयर है? अपने को एक सिंपल जहा रिजल्ट है, कि रिजल्ट है कि जेकर तुहाडे कोल कुछ इस तरीके नाल दिता होवे वन प्लस ए ओवर एन दी पावर एन, तो यह अपने को किस दे कोल हुंदा, ये अपने को ई दी पावर ए दे कोल हुंदा। ये रिजल्ट अपन ऑलरेडी सबनों आंदा, ठीक है, ये अपना लिमिट वाले मैथड के अकॉर्डिंग कर लो, है ना, किवें भी कर लो तुहानू ईजीली आंदा होगा, सिंपल। अच्छा, एक रिजल्ट अपने को ए वाला भी हुंदा, केड़ा हुंदा जी, एक रिजल्ट अपने को कि जेकर अपने को डिनोमीनेटर के विच हो, है ना, मेरे को किन्ना हो, जब ये भी बना लो। देखो इसमें मैं कि लिख सकती हूँ वन प्लस ए वन ओवर ए एन, ठीक है, वन ओवर ए एन की पावर, अगर एन के विच दिखती है मेरे को वन ई की पावर वन ओवर ए दे कोल होएगा, सिंपल, ठीक है। हुण अपने को किन्ना बन गया, देखो अपने को दो मैथड्स है सिंपल, फर्स्ट के अकॉर्डिंग थोड़े को है ई की पावर ए कोल होंगे, सैकेंड के अकॉर्डिंग थोड़े को है ई की पावर वन अपॉन ए होंगे, ठीक है। हुण आपां नूं जो गिवन क्वेश्चन है उहदे विच मैं देख पा रही हूँ कि ए की वैल्यू तो मेरे को थ्री आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू तो मेरे को कितनी आ गई, थ्री आ गई, तो उपर बट मेरे नाल टू ना मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब एन दे नाल इत्थे वन सी तो इत्थे वन आ गया, हुण एन दे नाल इत्थे टू है तो इत्थे टू आ जाएगा। डिनोमीनेटर दे विच इतने मेरे को की है ए की वैल्यू थ्री है, तो इतने भी मेरे को कि आ जाएगी थ्री आ जाएगी, तो मतलब की है जो थोड़ा ये रिजल्ट याद है तो तुम आराम दस सकते हो कि जोड़ा मेरा राइट आंसर होएगा वो राइट आंसर केड़ा होएगा, सी ऑप्शन होएगा, दैट इज ई पावर टू बाय थ्री। ईजी, चलिए अगे क्वेश्चन नंबर 30 के उपर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 30 के की दिता होया, क्वेश्चन नंबर 30 के दिता होया तो हानू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लोग एन अपॉन एन। हुण इत्थे जो हानू गिवन है दैट इज़ लोग एन अपॉन एन। हुण इहदे विच जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि असीं सिंपली सॉल्व करिए, तो सब तो पहले अपने माइंड के विच की आऊगा कि लिमिट दिती हुई है, लिमिट नूं सॉल्व करन दी कोशिश करदे आ, यही आएगा ना अपने माइंड के। जेकर आप ध्यान नाल देखिए तो मेरे को इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसमें की कर लें, डेरीवेटिव कर लें, उपर भी डेरीवेटिव कर दो, नीचे भी डेरीवेटिव कर दो। देखो उपर डेरीवेटिव करोगे तो वन अपॉन एन आ गया, नीचे डेरीवेटिव करोगे तो किन्ना आ गया, वन आ गया। तो कहने का मतलब की है, जो इस लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी पुट करोगे तो थोड़े को वन अपॉन इनफिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब तुम समझ ही गए कि ऑप्शन राइट हो जाती है, फिर ए ऑप्शन राइट हो जाती है ना। तो ज़्यादा कुछ करने की लड़ नहीं, अगर अपने माइंड के कोई रूल वगैरह नहीं भी आता तो तुम इतने लिमिट देख रहे हो ना, तो लिमिट के अकॉर्डिंग इसमें सीधा सीधा सॉल्व करके अपने को आ रहा आंसर आ रहा, अपने माइंड उत्तर चलूगा भी, एग्जाम के चलता हूँ, ठीक है। चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
दिस इज़ अवर नैक्सट क्वेश्चन, दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, इस क्वेश्चन के देखो आपको की दिता हुआ है, ये आपको पूछा गया सुपीरियर एंड इनफीरियर। ठीक है, तो हम देखो ये दिता की होया, सब तो पहली गल तो आपको दिता हुआ है एक सीक्वेंस दिती हुई है, दैट इज़ एफ एन। इस फाइंड आउट करने कह दिता सुपीरियर एंड इनफीरियर, है ना। चलो तो पहले तो सीक्वेंस दिती हुई है, दैट इज़ मैं दोबारा इतने रिपीट कर दिनी हूँ की दिती हुई है, माइनस वन पावर एन इंटू वन प्लस वन ओवर एन। इसका मैंने की करना है सुपीरियर, मतलब सुपीरियर फाइंड आउट करना है, एंड इसका मैंने की फाइंड आउट करना है इनफीरियर फाइंड आउट करना है, दोनों इस मैंने फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं फिर ये कि ऑप्शन राइट हो जाती है, ए बी सी जो डी ऑप्शन भी तो हमारे को है ने। पहली ऑप्शन मेरे को हैगी वन माइनस वन, दूसरी ऑप्शन मेरे को हैगी जीरो एंड इनफिनिटी, थर्ड ऑप्शन मेरे को हैगी माइनस इनफिनिटी एंड इनफिनिटी, लास्ट ऑप्शन मेरे को हैगी डी विच इज़ नन। ठीक है, चलो हूँ इसमें थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया, किमें सॉल्व करा ध्यान देखो। इस हाँ जी, तो किमें करांगे इसनों, कुछ नहीं, बस ये आपा करना है लिमिट नो पुट। ठीक है जी, आपा ये की करांगे लिमिट नो, अगर आपा फाइंड आउट करना है इतने आपा लेट करांगे लिमिट एन नो अप्रोच करवा देंगे इनफिनिटी, तो मेरे को किन्ना बन जाएगा, मेरे को आ चीज़ है जेकर आपा ध्यान नाल देखिए वन ओवर इनफिनिटी मेरे को किन्ना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो मतलब मेरे को माइनस वन की पावर एन इंटू वन रह गया। ठीक है, और अगर तुम यही चीज़ हूँ ये वाली चीज़ आ गई है मेरे को इनफ्रीमियम, तो सुप्रीमियम का मतलब की हो गया सब तो छोटी और सब तो वड्डी वैल्यू, है ना। तो सब तो छोटी वैल्यू यही कदों होएगी, जो ये मेरे को नेगेटिव होएगा, मतलब एन दी वैल्यू मेरे को की होएगी, और तो सिंपल जी गल है सब तो छोटी वैल्यू मेरे को की नहीं होएगी माइनस वन, और सब तो सुप्रीमियम मेरे को किन्ना होएगा मेरे को किन्ना होएगा वन होएगा। तो कुछ ये डाउट है ही नहीं, दो ही ऑप्शन ने वन एंड माइनस वन। ठीक है, अदरवाइज जेकर थानू नहीं भी समझ आता कि वन एंड माइनस वन आएगा या नहीं आएगा, तुम इतों ही देख लो, इतों मेरे को किसी भी एंगल तो इनफिनिटी ज जीरो बन रहा नहीं बन रहा, बिल्कुल ज वन बनेगा ज मेरे को माइनस वन बनेगा, तो यही दोनों आंसर ने जो अवेलेबल ने, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के ध्यान देखो एंड फटाफट सब तो पहला तो खुद सॉल्व करो कि करना है क्वेश्चन देखो 32 क्वेश्चन जो है उस दिता हुआ है, उस दिता हुआ दैट इज सुपीरियर एंड इनफीरियर लिमिट। हूँ ये भी उही चीज़ करनी है, सुपीरियर एंड इनफीरियर लिमिट जो है वह फाइंड आउट करनी है किसकी, माइनस वन की पावर एन इंटू एन। ठीक है, हूँ इतने ध्यान देखो इतने मैंने की दिता हुआ माइनस वन की पावर एन तो है, चलो ठीक है, नाल मैंने किन्ना दिता हुआ एन दिता हुआ, हूँ तुम ये भी उही काम करोगे जो आप उपर वाले क्वेश्चन करके आए। ठीक है जी, चलो ये ऑप्शन देख लें, ये ऑप्शन मेरे को है इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी माइनस वन इनफिनिटी जीरो वन एंड नन। हूँ तुम समझ गए होंगे, बिना पेन कापी चुके भी तुम समझ गए होंगे कि असी तो अजय लिमिट पुट कर देनी है एन टेंस टू इनफिनिटी, तो मेरे को किन्ना आएगा माइनस वन की पावर, चलो कुछ भी है, ज्यादा वन होएगा ज माइनस वन होएगा, है ना, गलत एक ही है, ज्यादा मेरे को होएगा वन होएगा जो माइनस वन होएगा, और इंटू मेरे को एन है, मतलब इंटू मेरे को इनफिनिटी है, एक तो मेरे को हो सकता है मेरे को माइनस इनफिनिटी आ जाए, एक मेरे को हो सकता है इनफिनिटी आ जाए, तो गला तो दो ही ने। ठीक है, तो मतलब वही है मेरे को सुपीरियर तो इनफीरियर पूछे से, सुपीरियर मेरे को वेरी क्लियर की होएगा इनफिनिटी, और इनफीरियर मेरे को की होएगा माइनस इनफिनिटी विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है जी, अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन के उपर। 33 क्वेश्चन देखो ध्यान की गिवन है, 33 क्वेश्चन देता हुआ है द सीक्वेंस, वन मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लिए, हाँ द सीक्वेंस जड़ी सीक्वेंस मैंने दी हुई है, वो सीक्वेंस केड़ी दिती हुई है, दैट इज़ एन ओवर एन प्लस वन। इन्होंने मैंने हूँ एक सीक्वेंस दे दी, दैट इज़ एन ओवर एन प्लस वन। इन्होंने मैंने पूछा कि तुम दसो ये की है, बाउंडड है या नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये ओनली बाउंडड अबव है ज ओनली बाउंडड बिलो है, ज फिर अगर आप गल करिए अनबाउंडड है, ठीक है बाउंडड है ही नहीं, ज फिर अगर आप गल करिए लास्ट ऑप्शन इन्होंने दिती हुई है कि नन कुछ भी नहीं है, तो इदा के क्वेश्चनस नू वैसे अगर आप ध्यान नाल इसनों ओपन करके देखिए तो मेरे को किन्ना बनेगा, मेरे को वन अपॉन टू बनेगा, वन अपॉन थ्री बनेगा, ठीक है जी, वन अपॉन फोर बनेगा, अप टू सोन जाता जाता मेरे को की है एक पॉइंट के उपर आके इन्हें हो गई है जीरो बन जाना है, है ना। तो दसो फिर यह की है, ये मेरे को बाउंडड है ज बाउंडड अबव है ज बाउंडड बिलो है, बाउंडड तो यह है कोई डाउट नहीं है ये। ठीक है जी, दसो जल्दी जल्दी ये की होएगा, हूँ जेकर आप इस सीक्वेंस में देख पा रहे हैं तो आपको पता है कि यह मेरे को बाउंडड अबव भी है और बाउंडड बिलो भी है।
ठीक है, ये मेरे को बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। हुण आपां सोचांगे फिर तो ए एंड बी दोनों आ गए, नहीं देखो ये एक वर्ड यूज़ कर दिता इन्होंने ओनली, दैट इज़ रोंग। ठीक है, तो मतलब अगर ओनली की गल हो रही है फिर ना तो ए ऑप्शन सही है ना बी सी, तो देखो सही है ही नहीं। दैन आप कि जावे फिर डी नाल जावे, क्योंकि ये सिर्फ बाउंडेड अबव ज सिर्फ बाउंडेड बिलो नहीं हैगी, ये बाउंडेड अबव एंड बिलो दोनों ही है। ठीक है, अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के उपर। 34 क्वेश्चन देखो जी की दिता हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाउंडेड। अपन चार सीक्वेंसिज देती हैं और पूछ लिया भी इन्होंने चारों के दसो इन्होंने केड़ी एक बाउंडेड है, इन्ह चारों के कोई एक बाउंडेड है, बाकी सारिया की होनगियाँ कुछ ना कुछ नहीं होएगा, है ना अनबाउंडेड होएगा जो कुछ भी, तो दसना अपने केड़ी एक बाउंडेड है। फटाफट अपन देखते हैं चारों सीक्वेंसिज केड़िया ने। एक तो मैंने दिती हुई है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ माइनस वन की पावर एन ओवर एन, और सैकेंड मैंने दिती हुई है दैट इज़ टू एन माइनस फाइव पावर एन स्क्वायर, माइनस फाइव एन स्क्वायर सॉरी। ठीक है, और डिनोमिनेटर के मैंने दिता हुआ है टू एन प्लस वन, थर्ड मैंने दिती हुई है एन स्क्वायर प्लस वन ओवर टू एन प्लस थ्री, इस तरीके नाल दित्तियां होईयां ने। सो देखो एक चीज़ तो मैं क्लीयर है कि जेकर तुसीं इहनूं चैक करना चाहते हो जां इहनूं चैक करना चाहते हो, तुसीं डिग्री के मैथड के नाल कर सकते हो कि यह कन्वर्ज कर रही ने। उपर वाली डिग्री देखो ग्रेटर है, नीचे वाली डिग्री लैस है, उपर वाली डिग्री ग्रेटर है, नीचे वाली डिग्री लैस है। सो क्लीयर है कि यह अनबाउंडड ने। ठीक है, इनफिनिटी तक जाएगियाँ, इनफिनिटी कन्वर्ज करनगियाँ, इट इज़ वेरी क्लीयर कि अनबाउंडड ने। सो रह जाती अपने को एक ऑप्शन, दैट इज़ ए, और इन देख के पता लग रहा है, तो हुणी हुणी आप डिस्कस करके आए थे कि डिस्कस करके आए थे कि यह बाउंडड तो उसी लेट है किमें, क्योंकि एक बार थोड़े को माइनस आ जाएगा, है ना माइनस वन ओवर वन, एक बार थोड़े को आ जाएगा वन ओवर टू, एक बार थोड़े को आ जाएगा माइनस वन ओवर थ्री, बट जो भी वैल्यू आएगी वो थोड़े को माइनस वन तो वन के बिच रह जाएगी, उस तो ना ही वड्डी होएगी ना ही छोटी, क्योंकि एक पॉइंट के उपर जाके थोड़े को बन जाएगा जीरो बन जाएगा, स्टार्ट कितों हो रही है माइनस वन तो, है ना, तो मतलब कि यह बाउंडड है। क्लीयर सिंपल, तो ये विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर, ए इज़ द राइट ऑप्शन विच इज़ दिस, क्योंकि यह कितों स्टार्ट हो गया, देखो सब तो छोटी वैल्यू यदि माइनस वन हो सकती है और सब तो वड्डी वैल्यूज ये वन बाय टू हो सकती है, अगे तुम जड़िया भी वैल्यूज पुट करोगे वो सारियाँ ये रह जाएंगे। सो क्लीयर है जी, बाउंडेड कुछ है ही नहीं डाउट ये, है ना। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज़ अवर नैक्सट क्वेश्चन। अपने इस क्वेश्चन के लिए करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 दिता हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ, अपन एक सीक्वेंस दी हुई है दैट इज़ समेशन माइनस वन पावर एन अपॉन एन इन टू एक्स पावर एन, यदा मैंने की करना है फाइंड करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए आप हमेशा की करते होंगे सॉल्व करते होंगे, किमें सॉल्व करते होंगे, आपने की करना है अपने कुछ नहीं जस्ट वन ओवर ए एन दी पावर वन बाय एन करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कर लो बस, देखो अपने को कितना आ जाता है, फिर पहली गल तो वन ओवर ए एन दी पावर एन करांगे, चलो तो वन ओवर ए एन मैंने की दी हुई है सारी दी हुई है, यदि एंथ टर्म मेरे को कितनी होगी, यदि एंथ टर्म मेरे को कितनी होगी उन्हें लगे चलते। ठीक है, और इसमें सॉल्व कर लो। ठीक है जी, हाँ जी, फिर दसो फटाफट एक बार की आंसर ये राइट हो जाता है अपने को, चार ऑप्शन है, दैट इज़ जीरो वन इनफिनिटी एंड नन, चार ऑप्शन ने, विच ऑप्शन इज राइट हेयर। ओके, इतने आप नहीं लगावे, इतने आप वन बाय एन वाला कॉन्सैप्ट नहीं लगावे, सॉरी हाँ इतने ये नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, आप इतने लगावे लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन, बिल्कुल ये वाला कॉन्सैप्ट इतने यूज़ होएगा। ठीक है, हूँ अपने को देखो की है, उपर मेरे को है ए एन, मेरे को कि हो जाएगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है जी, डिवाइड बाय ए एन प्लस वन है, और मेरे को कि हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, जो इसमें तुम सॉल्व करोगे थोड़े कल्ला एन प्लस वन रहेगा, जस्ट इन्नी क चीज़ रहेगी, और अगर इन्नी क चीज़ रहेगी और इस दे उपर तुसी की कर रहे हो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी अप्रोच करवा रहे हो, तो इनफिनिटी प्लस वन इत क्लीयर है ना कि मेरे को इनफिनिटी होएगा, तो ये मेरे को केड़ी ऑप्शन राइट हो जाती है जी, सी ऑप्शन राइट हो जाती है। ठीक है, क्यों हूँ इतने आपने वन बाय एन वाला कॉन्सैप्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इतने मेरे को जो फंक्शन गिवन से, जो मेरे को अगर आप गल करिए ए एन गिवन से और अकॉर्डिंग आपने लगाना होंगे हमेशा, इतने मेरे को जो है उसके अकॉर्डिंग आप ए एन वाला नहीं लगावे, आप लगावे ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। क्लीयर है जी, अगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के उपर। क्वेश्चन नंबर 36 जो मैंने गिवन है ये भी मैंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही फाइंड करना है, और उस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के मैंने दिता हुआ है वन प्लस एन ओवर एन इन टू एन स्क्वायर एक्स दी पावर एन। ठीक है, हुण क्योंकि इतने मेरे को बन रहा है एन स्क्वायर बन रहा है, इसकी पावर है सॉरी, ये इसनों थोड़ा सही करके लिखिए आप, हाँ इसकी पावर है, ये मैंने एन स्क्वायर दिता हुआ है क्योंकि इसकी पावर एन के है, तो हूँ इतने आप लगावे की लगावे वन ओवर ए एन दी पावर वन बाय एन। ठीक है,
इस चीज़ में अप्लाई करांगे। हुण ध्यान नाल देखो, मेरे को वन ओवर ए एन मेरे को किन्ना होएगा, ए एन होएगा वन प्लस वन ओवर एन लिख लो जो एन प्लस वन लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, दी पावर एन स्क्वायर। अच्छा फिर उसका आप की करते पे वन बाय एन, एक एन नाल तो एक एन कैंसल हो गया, तो मेरे को बच गया, मेरे को बच गया वन अपॉन वन प्लस एन द पावर एन। और ये अपन ऑलरेडी सारे पता है कि जेकर मूहे लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी हो अंदर ए चीज़ हो, मेरे को किस दे कोल हुंदा, ये मेरे को ई दे कोल हुंदा। जस्ट वेट फॉर वन मिनट। ठीक है जी, ये मेरे को किसके कोल हुंदा, वन ओवर ई दे कोल हुंदा, दैन इट इज़ वेरी क्लीयर कि मेरा ऑप्शन किया जाता है बी ऑप्शन, दैट इज़ वन बाय ई। ठीक है, तो मैं लगता हूँ मैंने वीडियो में रोकना पैना, तो फिर कोई गल नहीं, थोड़ा नहीं रुकेगा, मैं इसमें दोबारा रिकॉर्ड करके नाल ही अटैच कर दाँगी। ठीक है, तो चलो देख रहे हैं कि दिक्कत आई है, फिर जस्ट वेट। नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है, दोपहर मैं एक पार्ट सेव किया सीजा, हूँ दूसरा बना रही हाँ। चलो ये है मेरे को 37 क्वेश्चन, इतों ही कंटिन्यू करते हैं जितना छड़े से, थोड़े को सारी ही वीडियो जो है एक ही दे विच मिल जाएगी थानू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इस दे विच की दिता होया है, कहिंदे अगर तुहाडे कोल कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है ए नू भी ते बी नू भी, अगर तुहाडे कोल कोई एक सीरीज़ है, ओके स्टार्ट हो चुकी है ना, हाँ जी, तो अगर तुहाडे कोल कोई भी एक जो सीरीज़ है वो तुहाडे कोल की कर रही है कन्वर्ज कर रही है, ए ते बी दोनों नू ही कन्वर्ज कर रही है, तो दसो तुहाडे कोल की होएगा, ए लैस दैन बी होएगा, ए ग्रेटर दैन बी होएगा, दोनों इक्वल होंगे जां ना। सो इट इज़ वेरी ओबियस एंड सिंपल रिजल्ट, तुहाडे कोल की होएगी, दोनों वैल्यूज इक्वल होणगियां। ठीक है, क्योंकि यूनीक होंदा है, सो ये तो बिल्कुल सिंपल जिहा रिजल्ट, अगर नहीं पता सी तो इसके नोट्स बना लो, अदरवाइज सबनों ऑलरेडी पता 110% होएगा, तो अपने कोल इन दिस केस दोनों वैल्यूज की होणगियां इक्वल होणगियां। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के उपर। 38 क्वेश्चन जो है उसके देखो बहुत ही सिंपल जहा क्वेश्चन है, इस विच की दिता होया है, अपन दिती हुई एक सीरीज़ दैट इज़ वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सौन चली जाती है, तो यह सीरीज़ दसना है कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, बाउंडड होएगी जन नॉट ऑफ दिस। ठीक है, सो ये तो सिंपल जी चीज़ है ना, तुम देखो काउंटिंग करी जाने हो पता नहीं कितने तक करोगे, पहली गलते अप टू इनफिनिटी जा रही है, तो उस पर इसका एडिशन करोगे सीरीज़ है, तो यह सारे ही की होंगे अप टू इनफिनिटी जाएंगे, देन इट इज़ वेरी क्लीयर टू अंडरस्टैंड कि यह मेरे को होएगी डाइवर्ज करेगी, ये कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर, बी इज़ द राइट आंसर। चले अगे क्वेश्चन नंबर 30, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 30 देखो अपने को, वन मिनट थोड़ा जा देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 हूँ इतने पूछी गई है कोची सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम। ठीक है, जी कोची सीक्वेंस है वो अपने को होंगी है, कोची सीक्वेंस अपने को बाउंडड होंगी है, अपने को अनबाउंडड होंगी है, अपने को मोनोटोनिक होंगी है, डाइवर्जेंट होंगी है, की होंगी है, तो ये ऑलरेडी सबनों पता है और पता भी होना चाहिए है कि कोची सीक्वेंस की होंगी है मोनोटोनिक सीक्वेंस होंगी है। ठीक है जी, कोची सीक्वेंस की होंगी है मोनोटोनिक सीक्वेंस होंगी है, सो विच इज़ अवर राइट ऑप्शन, ए इज़ अवर राइट ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर है इसका, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हाँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 के विच की दिता हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 के विच आपको दी हुई है एक थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम के विच तुसी देख सकते हो केड़ी है, बोलजानो थ्योरम है। हुण बोलजानो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की होंगी है, अपने को बोलजानो थ्योरम यह दसदी है कि हर एक जो बाउंडड है सीक्वेंस उसकी की होएगी लिमिट पॉइंट उसका होएगा ही होएगा, हर बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होएगा ही होएगा, और एक केड़ी ऑप्शन है अपनी, ए ऑप्शन है, सो यही डायरेक्ट अपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों ही अपने को स्टेटमेंट्स ने जो प्रॉपरली राइट नहीं हैगी। ठीक है जी, सो सीधा सीधा ये पूछा गया कि इन्हों के थ्योरम है, तो आप दस दिती है, ए इज़ अवर राइट आंसर। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के उपर, क्वेश्चन नंबर 41 देखो कि दिता हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 के दिता हुआ है, कहिंदे जेकर तुहानू कोई भी सीक्वेंस दी हुई है और सीक्वेंस की दिती हुई है वन पावर वन बाय एन, सॉरी एन पावर वन बाय एन। ठीक है जी, की दिती हुई है तुहानू एन पावर वन बाय एन, तो हम इस दसना है कि यह मेरे को करेगी, कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, की करेगी, इसका राइट आंसर होएगा और की होएगा इन्होंने चारों के ए जीरो वन वन बाय टू ज नन। ठीक है, तो हम देख लें पहली गल तो ये जो राइट आंसर है वह कड़ा होएगा, क्योंकि आपको जो सीक्वेंस दी हुई है वह की दिती हुई है एन द पावर वन बाय एन दिती हुई है, तो आप इस लगावे, इस पता है कि अगर अपने को इस तरीके की सीक्वेंस होंगी है तो उसनों किमें सॉल्व कर दो, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इस तरीके सॉल्व कर दियो, सो बस इसनों सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो थोड़ा आंसर मिल जूगा। ठीक है, चलो दसो फिर फटाफट की आंसर आएगा इसका, ए बी सी या डी, पहले खुद सॉल्व करो फिर अपने को होएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दसो जी
कर लो 16 तो कुछ है नहीं से देखो जो ए एन की जगह पर ए एन प्लस वन पुट करोगे दैन इट इज़ वेरी सिंपल कि एन प्लस वन बन जाएगा। नीचे मेरे को किन्ना आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है तो मैं देख पा रही हूँ इतने भी डिग्री वन है इतने भी डिग्री वन है तो ओबियसली किनू कन्वर्ट कर रही है वन कन्वर्ट कर रही है क्योंकि वन बाय वन मेरे को किदा होंगे वन द इक्वल होंगे। सो विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर बी इज़ माई राइट आंसर। ठीक है अगे चलते हाँ अगे तुम देख सकते हो मैंने एक क्वेश्चन दिता हुआ है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दे विच की दिता हुआ है कहिंदे जिहड़ी सीक्वेंस है वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन अप टू सोन एन टर्म्स। ठीक है ये की करेगी कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी। ठीक है सारिया ऑप्शन तुहाडे सामने ने इहदे विच पुछा गया भी यह की कर रही है कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है ओसीलेट कर रही है जां नन। तो ये तो देखने ही पता लग रहा है कि यह की कर रही है ओसीलेट। देखो किवें ओसीलेट कर रही है एन टर्म्स क्या है ना मैंने टू टर्म्स लै लिया जो मैंने टू टर्म्स लिया तो मेरा आंसर जीरो आ गया। अच्छा एन टर्म्स क्या हूँ एन जरूरी थोड़ी है टू ही होएगा थ्री भी तो हो सकता है तो मेरे को कितनी हो गई फिर मेरे को आंसर माइनस वन आ गया है ना। तो वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो वन जीरो वन सॉरी जीरो वन जीरो वन के फॉर्म के यह जो सॉरी इतने वन आएगा सो इतने भी प्लस वन आ जाएगा है ना। सो जीरो वन जीरो वन आंसर जो है अंदर होगा तो मतलब क्लीयर है देख के भी पता लग रहा है कि यह मेरे को है जी ओसीलेट। सो नो ए नो बी इट इज़ सी ऑप्शन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन के पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वर्जेंट। हूँ थोड़े सामने कुछ लिखी हुई हैं इतने सीक्वेंसिज लिखी हुई हैं और इन्होंने दसना है कि केड़ी कन्वर्ज कर रही है इन्ह चारों के एक कन्वर्ज कर रही है। ठीक है तो हम देखो ध्यान अपने कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है जेकर वह नंबर एक्स है और एक्स की वैल्यू मेरे को वन तो वड्डी है कोई भी नंबर है जेकर वो नंबर एक्स है और एक्स की वैल्यू मेरे तो वन तो वड्डी है कहना मतलब कोई भी वैल्यू जो मेरे तो वन तो ग्रेटर है और अगर तुसी वन तो ग्रेटर नंबर की वैल्यू पावर इनफिनिटी करते हो तो थोड़ा आंसर हमेशा की होएगा इनफिनिटी होएगा। ठीक है और अगर तुसी कोई भी नंबर जो मेरे को एन है और एन की वैल्यू वन तो छोटी है मतलब वन तो छोटा नंबर कोई भी है और उसकी पावर इनफिनिटी कर दो तो हमेशा थोड़ा आंसर की आएगा जीरो आएगा। ये रिजल्ट ऑलरेडी अपन सबनों पता है। तो हम देखो जो ये है ये तो मेरे को क्लीयर है कि डाइवर्जेंट है और ये मेरे को कन्वर्जेंट है। हम देख लो ये देखो टू टू तो मेरे तो वन तो वड्डा हो गया टू की पावर इनफिनिटी करोगे टू की पावर एन टेंस टू इनफिनिटी मतलब टू की पावर इनफिनिटी करोगे तो मतलब ये तो मेरे को डाइवर्ज कर गया। सिमिलरली ये भी डाइवर्ज करेगा तो कन्वर्ज की करेगा बी क्यों क्योंकि वन बाय थ्री की वैल्यू जो है वो वन तो की होंगी है छोटी होंगी है वन बाय थ्री की वैल्यू वन तो छोटी होंगी है जिदे करके क्लीयर है कि जो तुम इसकी पावर इनफिनिटी करोगे ये मेरे को होएगा ये मेरे को जीरो के कोल होएगा। क्लीयर सिंपल। सो ये भी कुछ भी मुश्किल नहीं से आराम नाल हो जाने वाला क्वेश्चन से। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 44 विच इज़ ऑलसो वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 दे विच की दिता होया लिमिट दसनी है सीक्वेंस दी इहदी तो सिंपल है ना। तो देखो तुसी इहनू अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंदर सारा मल्टीप्लाई करन दी जरूरत नहीं है सिर्फ अपनी हाईएसट डिग्री तक करना हाईएसट डिग्री मेरे को ए बनेगी अगे कुछ मर्जी बनी जाए डजेंट मैटर। ठीक है उस तो बाद नीचे देखो नीचे भी मेरे को हाईएसट डिग्री एन स्केयर बनेगी अगे कुछ मर्जी बनी जाए हूँ उपर भी पावर टू है हाईएसट नीचे भी पावर टू है हाईएसट तो उपर इसका कोफिशेंट किन्ना थ्री नीचे इसका कोफिशेंट किन्ना वन तो मेरे को सोल्व करके ही आ गया सीधा दैट इज़ डी ऑप्शन। ये तो अपने ऑलरेडी मैथड सबनों पता है ना ये तो अपना कई क्वेश्चन ये पिछले कर भी चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 45 देखो जी क्वेश्चन नंबर 45 के आपको की दिता हुआ है कहिंदे अगर तुहाने इन प्रीमियम तो सुप्रीमियम दसना हो किसदा इसका हूँ मैं तुहानू इत्थे दोबारा लिख देनी हाँ दैट इज़ 3n+2 and 2n+2 इसका इन प्रीमियम दसना है एंड सुप्रीमियम दसना है। पहले आप सुप्रीमियम की गल करिए मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम वैल्यू यदि ज़्यादा तो ज़्यादा वैल्यू की हो सकती है ज़्यादा तो ज़्यादा वैल्यू इसकी की हो सकती है। ठीक है तो हूँ देखो ध्यान इसकी वैल्यू जो तुम एन की वैल्यू वन पुट कर दोगे। ठीक है इन प्रीमियम दे विच अपने को देखो सब तो पहला तो देखो इन प्रीमियम की गल कर लेने इन प्रीमियम के लिए आप हमेशा की पुट करते हैं इनफिनिटी पुट करते हैं जो तुम इनफिनिटी पुट करोगे तो क्लीयर जी गल है थोड़ा आंसर कितना आ जाएगा देखो 3+2/n/2+1/n सोल्व करोगे सोल्व करके कितना आ गया 3/2 आ गया लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी। सो मेरे को हो गया इनफ्रीमियम से जो मेरा वो कितना आ गया 3/2। सो ये ही पता लग गया कि जो मेरा आंसर होएगा वो मेरा की होएगा बी ऑप्शन होएगा बट स्टिल सुप्रीमियम भी देख लें। सुप्रीमियम के लिए आप करेंगे एन की वैल्यू वन पुट करेंगे। ठीक है तो सुप्रीमियम जो वन पुट करोगे तो उपर मेरे को आ जाएगा 3+1/2 और 2+1/1 तो मेरे को आ गया जी 5/3 आ गया। दैन विच ऑप्शन इज़ राइट सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगे सॉरी बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखो ध्यान क्वेश्चन नंबर 46 के विच की दिता हुआ एक सीक्वेंस दिती हुई है हूँ सीक्वेंस की दिती हुई है वो सीक्वेंस दिती हुई है मैं 1+1/2+1/2² + 1/2³ इदा जाते जाते कितने तक जा रहे जी 1+1/2 की पावर एन माइनस वन तक जा रहा है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਨੋਟ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਡ ਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਕਰਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਕਰਗੀ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 47। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/(n+1), ਹੈ ਨਾ, 1/(n)/2, 1/(n+3), ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ। 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਸੇਮ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਜਾਂ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ, ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਦੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n+5 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 3 ਪਾਵਰ n+5 ਪਾਵਰ n, ਔਰ ਉਸਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1/n ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1/n ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ n ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ n 1/n ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, an+1/an ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ an+1 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n+1+5 ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 ਹੋਏਗਾ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n+5 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੋਲ ਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, n ਟੈਂਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਐਨ ਟੈਂਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n+1/5, ਹੈ ਨਾ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 ਕਰ ਲਓ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 ਹੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 n+1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, +1/3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n/5 ਦੀ ਪਾਵਰ n+1। ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ 5 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 1/1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਫੋਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਬਾਉਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਤਾਂ ਹੈ,
बाउंडर तो है माइनस वन तो बाहर जा ही नहीं रही, बट यह कितना कितने कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है, ये कन्वर्ज नहीं कर रही। सो ए ऑप्शन इज नॉट राइट। अगर ए ऑप्शन राइट नहीं है तो मेरे को कितना कितने आ दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। हम आप दूसरे में चेक कर लेने, दूसरी कहते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट इज बाउंडेड। हूँ यह तो क्लियर है ना, जो कन्वर्ज कर रही हो तो 100% बाउंडेड होएगी ही होएगी। सो विच ऑप्शन इज राइट हियर, सी इज अवर राइट आंसर, कि पहली स्टेटमेंट जो है वो तो हार्डी फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट की है तो हार्डी ट्रू है। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के देखो जी की दिता हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 50 के पहली गल तो आप दे दी एक सीकुएंस, और सीकुएंस की दिती हुई है ए एन दिती हुई है। कहते जेकर यह कन्वर्ट कर रही है ए न, जेकर थोड़ी सीकुएंस जो है ए एन और कन्वर्ट कर रही है ए न, तो दसो जो थोड़े को ए एन का मोड है वह किनू कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वह किसू कन्वर्ट करेगा। तो वेरी वेरी ईजी, यदा तो सीधा सीधा रिजल्ट है, ये ऑलरेडी आप पढ़िया भी होया है ना, थ्यूरम है। सीधी सीधी तुम ये कह सकते हो कि यदा जो डायरैक्ट आंसर है थ्यूरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आंसर जो है वो मेरे को होएगा बी ऑप्शन होएगा। ये कुछ भी एक्सप्लेन करना तो है ही नहीं, सीधी थ्यूरम है और दैट इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है, अगे चलिए नैक्सट क्वेश्चन के उपर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के आई थिंक सो ये रिपीट हो गया, सो ये ऑलरेडी आपका किया हुआ है, दैट इज़ सी ऑप्शन। 52 क्वेश्चन देखो, ए भी रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट, ए इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 53 के देखो, कहते हर एक बाउंडर्ड जो सीक्वेंस है वो की होंगी है, एवरी बाउंडर्ड सीक्वेंस इज ऑलवेज, हर बाउंडर्ड सीक्वेंस की होंगी है, एवरी बाउंडर्ड सीक्वेंस ऑलवेज। हमने हमने आप करके आए कि जेडी सीक्वेंस बाउंडर्ड है वह की होएगी हमेशा ही हमेशा, वो जाता चार ऑप्शन हम तेरे सामने ने किड़िया ने कि जाता वो अनबाउंडर्ड होएगी, जा तो वह बाउंडर होगी या अनबाउंडर होगी। तो पहली ऑप्शन तो ये राइट नहीं है, ठीक है। सेकेंड अपने को है, सेकेंड है कन्वर्ज होएगी, थर्ड है डाइवर्ज होएगी, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। हम देखो ध्यान जी अपने को बाउंडर सीक्वेंस है, हम मोस्टली अपने माइंड के आंदा है कि अपने को कन्वर्जेंट है, बट आप हूने हूने प्रीवियस क्वेश्चन करके आए कि जेकर तुहाडे कोल कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, इट डजेंट मीन कि वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, बट अगर कोई कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड जरूर होएगी। जिमें कि आप इतने माइनस वन की पावर एन की सीक्वेंस की एग्जाम्पल लैके चले से, तो ये जो राइट आंसर होएगा और डी ऑप्शन होएगा ना कि बी, ठीक है। तो जेकर तुम बी लगाया तो थोड़ा जहा इस ध्यान न देखो तो दसो कि ऑप्शन ये राइट होगी। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये ऑलरेडी आप कई बार कर चुके हाँ, थ्यूरम के सीधी थ्यूरम है और इसमें आप एज मतलब रिजल्ट ज एज मैथड आप क्वेश्चन यूज़ कर चुके हैं कि लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन पावर वन बाय एन जो है वो किसके इक्वल होंगे, तो इट इज़ वेरी क्लीयर टू अंडरसटैंड कि वो अपने को सी ऑप्शन है, ठीक है। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के उपर। क्वेश्चन नंबर 55 के उपर इस देखो जो राइट आंसर है वो की होएगा 10n, ठीक है। ये भी देखो जो तुम उपर मल्टीप्लाई करोगे तो 20n स्क्वायर अप टू सोन कुछ भी बनता रहे, नीचे जो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n स्क्वायर कुछ भी बनता रहे, क्योंकि आपको तो मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट तो है, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो तुम सॉल्व करोगे तो मेरे को 10 आ जाएगा। सो विच इज़ माई राइट आंसर, दैट इज़ बी ऑप्शन, दैट इज़ 10, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 के देखो, फाइंड्स प्रीमियम एंड इनफ्रीमियम, इस भी प्रीमियम तो इनफ्रीमियम फाइंड आउट करना है। सो उस प्रीमियम तो इनफ्रीमियम फाइंड आउट करने के लिए वही मैथड है जो तुम पिछले पहला करके आए हो, सेम क्वेश्चन है, नथिंग ये कुछ भी नवा नहीं है, जब आप नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट है ना। हाँ जी, तो ये चार ऑप्शन है थोड़े को, चारों ऑप्शन में देखना है तो दसना है कि कौन थोड़े को जो एक राइट आंसर ये होएगी। देखो 4n+3 ओवर 3n+2 ऐदा करके थानू दिता हुआ पूरा फंक्शन, एंड इस दसना है इनफ्रीमियम केड़ा होएगा एंड सुप्रीमियम केड़ा होएगा, ठीक है। तो उही करांगे जी, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो सुप्रीमियम आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 पुट करके मेरे को कितना बन गया 7/5 बन गया, तो मेरे को सुप्रीमियम आ गया। पहला सुप्रीमियम सी तो ऑब्वियसली सुप्रीमियम ही आएगा, ठीक है। तो 7/5 की एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन। तो इतों ही क्लीयर हो जाता है कि मेरे को जो राइट आंसर है वह केड़ा होएगा, दिस वन, ठीक है। अगे चलते हैं इनफ्रीमियम फाइंड आउट करने इनफिनिटी पुट कर दिए और आराम क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 के देखो जी, आप एस एन दिती हुई है तो आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। हूँ उपर मेरे को हाईएस्ट डिग्री 2 है, नीचे मेरे को हाईएस्ट डिग्री 3 है, डिनोमीनेटर डिग्री ज़्यादा है, जो डिनोमीनेटर डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो ये तो कोई भी डाउट ही नहीं है, अपने को क्लीयर है कि हमेशा जो डिनोमीनेटर डिग्री डिनोमीनेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो अपने कोल केड़ा आंसर ये राइट होएगा, 0, 1 है ना, इनफिनिटी, जा चौथा ऑप्शन तो हमारे कोल हैगा नन ऑफ दीज। तो क्लीयर है कि 0 होएगा, क्योंकि अगर ऊपर मेरे को पावर ज़्यादा होंगी तो इनफिनिटी होंगे, नीचे मेरे को पावर ज़्यादा है तो मेरे को होएगा 0 होएगा।
क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 दे विच देखो जी आपां नूं दित्ती हुई है दैट इज़ 1/n, ठीक है। 1/n तो बाद सीक्वेंस दित्ती हुई है 2+3/2 अप टू सोन चली जाता, तो ये दसना है कि यह किनू कन्वर्ज करती है ना, इक्वल टू इन सॉल्व करोंगे तो कि आएगा। पहले तो ये nth टर्म लिख ली मैंने, यदि nth टर्म कि होगी n+1/n होएगी, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे 1+1/n हो गया, तो क्लीयर है कि 1 नू कर कोई डाउट है ही नहीं, तो क्लीयर है कि बिल्कुल कि ऑप्शन राइट हो जूगी, ए इज़ माई राइट ऑप्शन, ठीक है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 दिता हुआ है, इस दिता हुआ है आवली सीक्वेंस दिती हुई है, सॉरी सीरीज़ दिती हुई है। इस सीरीज़ के दसना है अपने कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ऑसीलेट है या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इन्होंने चारों के कोई ऑप्शन अपने को राइट है, 2/3 n² - 1, ठीक है जी। हूँ देखो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, कुछ भी करे ध्यान देखो, यदि जस्ट nth टर्म लो, यदि nth टर्म मेरे को किन्नी है, आवली nth टर्म है, उपर मेरे को n की पावर 0, नीचे मेरे को n की पावर 2, मतलब डिनोमिनेटर के n की पावर की है मेरे को ग्रेटर है, तो मतलब मेरे को किन्ना आ गया, 0 आ गया, मतलब किनू कन्वर्ज कर रही है, 0 नू कन्वर्ज कर रही है ना, तो मतलब क्लीयर है कि हो गया कन्वर्जेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 के भी सेम ही है, इसमें दसना है कि यह मेरे को कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, और सीक्वेंस केड़ी है, सीक्वेंस है मेरे को -1 की पावर n ओवर n, अगेन इतने मेरे को n की पावर 0 है, इतने n की पावर 1 है, तो किनू कन्वर्ज करेगी, 0 नू कन्वर्ज करेगी, सो वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड ते जा गया ने 0 बन ही जाना, सो की है मेरे को ले दे विच भी राइट आंसर ए है, दैट इज कन्वर्जन, ठीक है जी। इन्ना क्वेश्चन के नाल ही अपना टॉपिक कंप्लीट होंगे, तो हमारे नाल अज यह वीडियो शेयर हो जूगी, एंड कल देखते हैं फिर अपना नवा टॉपिक स्टार्ट करांगे, ठीक है। कोई भी डाउट होया कमेंट सैक्शन के लिख सकते हो, लाइक जरूर कर दियो, शेयर कर दियो अपने फ्रेंड्स के नाल, एंड थैंक यू।